मुखाधिपति रावण, जिसकी प्रशंसा स्वयं इंद्र भी करता है, जिसकी सोने की लंका को देकर कुबेर की उसे तिरस्कार करता है, और तुम विभीषण इस नारायण के भक्त हो, वो स्वयं नारायण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं कि राम रघुवंश के शिरोमणि, मैं यह भी जानता हूं कि सीता लक्ष्मी की अवतार है, लेकिन मैं सीता को नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। मृत्यु का भय नहीं है मेरा, जिसके पैर तले गादी छिपड़ा जाती है, वैसा विरोधधारी रावण हूं मैं। रावण महापति महेश्वर को सीतांडव रचना करके प्रसन्न किया था, अपने बहुओं के बल पे कैलाश पर्वत को उठाया था, वही परम प्रतापी त्रिलोकधारी लंकाधिपति रावण, जिसकी अमरतंत्र अचूर्ण थी, अचूर्ण है, अचूर्ण रहे। हे नारायण, मुझे मृत्यु प्राप्त करो। मैं रावण हूं, वही रावण जिसने सीता का अपहरण किया और फिर नारायण के हाथों मारा गया, लेकिन मैं लौट के आया हूं कलयुग में उस इंसानी रूपी राक्षस को कत्ल करने के लिए। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, क्या मेरे को हर साल जलाना सही है मेरे एक गलती के लिए? अगर सही है तो क्या करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया? क्या करना चाहिए आप बता दें मुझे कि मैं कहां गलत था और आज के मानव कहां सही है। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो बंद कर दीजिए वो न्यायालय, बंद कर दीजिए वो न्याय तंत्र, और बंद कर दीजिए न्याय का नाम, चला दीजिए वो दंड विधान। शेष में मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पर देवी रहती है वहां पर लड़कियां भी रहती है, हमें ऐसा समाज गठन करना होगा जहां पर नारियां सुख और शांति से रह सकें।